हेलो गाइस, और जैसा आप जानते हो कि अभी फ्रेंडशिप वीक शुरू हो गया है, तो हम आपको बताते हैं कि हम अपना फ्रेंडशिप डे कैसे मनाते हैं, हम अपना फ्रेंडशिप वीक कैसे मनाते हैं। तो कैसे मनाती है आप? हम एक्चुअली सारा दिन इतना टाइम साथ में स्पेंड करते हैं ना, पता ही नहीं चलता है फ्रेंडशिप वीक चल रहा है। कब आया फ्रेंडशिप डे? कब चला गया? में आता है, अरे फिर पता चला अगस्त में भी आता है, फिर पता चला अगस्त में ही आता है। तो बट आई थिंक ये सबसे ज़्यादा मेमोरेबल होगा, बिकॉज इसके बाद हम इतना टाइम स्पेंड नहीं कर पाएंगे साथ में। सो येस ऑफ कोर्स, आई थिंक ये जो लास्ट के कुछ दिन होते हैं ना, वो हमेशा याद रह जाते हैं। सो या, सो दिस इज़ गोना बी वेरी मेमोरेबल। आई रिमेंबर लास्ट टाइम मैंने तुमको क्या दिया था, और मुझे पूरा यकीन है इसको याद नहीं होगा। नहीं नहीं, इसने मुझे कुछ बनाया था। हाँ, क्या बनाया था? शी मेड अ बैंड। व्हाट 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 काइंड अ फ्रेंडशिप बैंड काइंड ऑफ स्टफ। That was very sweet. Bahut sweet tha wo. That was sweet, but he doesn't know what that was. How incredible. I still have it though. I have to go home and see it. So now I have everything in one place. Aur isko nahi pata hoga maine kaun sa diya. Nahi pata hoga, jaise dekhunga to yaad aayega. But she made something customized gift mila tha mujhe friendship day pe. I remember it was in the LG studio. Hum shoot kar rahe the aur tumhare room mein tha. सब कुछ याद है, सिर्फ ये याद नहीं है वो क्या था। खैर छोड़ो, लेट्स मेक सम न्यू मेमोरीज। दीज आर कूल यार, दीज आर कूल। मैंने तुमको पहनाया ही नहीं अभी तक। मेरे लेफ्ट हैंड ने राइट हैंड को पहनाया। फ्रेंड्स, वाओ, लेट्स वर्क टुगेदर। इट वाज, आई वाजंट एक्सपेक्टिंग, बट ऐसा हुआ क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं ऐसे मिला तो ये तो कुछ और ही थी। और क्या, सबसे पहले तो ये बोलना शुरू की, क्या बोल रही है, कहाँ से आई है। तो बट यार, फिर सडनली शी स्टार्ट टॉकिंग इन हिंदी वंस, एंड देन आई हर्ड टॉकिंग मराठी, लाइक व्हाट्स अप विद दिस गर्ल। जैसे क्या, मैंने एक्सेंट चेंज कर रही है, लैंग्वेज ही चेंज कर रही है। फिर सो बट यार, फिर धीरे धीरे वी स्टार्टेड टॉकिंग, हमारे सीन्स होते थे, एंड शुरू में ऐसे फन सीन्स होते थे कि हमें कूदा कादी ज़्यादा करना है, जंपिंग अराउंड एंड हार्नेस एंड बाइक्स एंड कार्स। सो दैट वाज प्रीटी कूल। तब या वी स्टार्टेड टॉकिंग और देयर वाज नो स्टॉपिंग देन, एंड देन एवरीबॉडी जॉइंड इन स्लोली, देयर वाज अ ह्यूज ग्रुप। फिर सब लोग टाइम पास करने के लिए हम मेरे रूम में बैठते थे, तो अभी भी सब वहीं बैठे हुए। आज लास्ट डे है, तो हम लोग सब आज सुबह से ही एक साथ जितना टाइम ज्यादा स्पेंड करना चाहते हैं कर रहे हैं, और यार सीन भी शूट हो रहा है, हम अपनी मस्ती भी कर रहे हैं। या आई थिंक विशाल के रूम में वो हो या ना हो, बाकी जरूर होंगे। आई गिव देम द वार्म वेलकम। नहीं, इसका रूम सेट पर है। मैं अभी भी कॉलेज में हूँ, मैंने HSC का एग्जाम दिया है। सो आई थिंक स्कूल, बिकॉज स्कूल में ये ना फ्रेंडशिप बैंड बांधना अलाउड नहीं होता था, और बड़ा मजा आता था चोरी छुप के फ्रेंडशिप बैंड लेके। सर पता नहीं अली अलग से बना ही दिस, एंड वो बंदा पहले बाद में निकाल के बैग में रख दिया। हमारा लास्ट में ना बैग चेकिंग होती थी किसी के बैग से, तो एक बैग से निकल के हम उसको रैप कर देते थे, लास्ट बंदे के बैग तक जाता था, वो आगे फिर से पास कर देता था। सो बेसिकली कोई पकड़ा नहीं जाता था। सो आई थिंक दैट दैट्स द फन पार्ट। स्कूल में तो हमें सब कुछ अलाउड था, कॉलेजेस में तो ऑब्वियसली अलाउड था। कॉलेजेस में तो हम फ्रेंडशिप डे एक्चुअली बांधते भी नहीं थे फ्रेंडशिप बैंड। आई मीन कॉलेज में ऐसा हो गया था कि यार बच्चे थोड़ी हैं, आई मीन बोलना काफ़ी नहीं है, तू मेरा यार है। जाके उसे कुछ ट्रीट दे दो। हमारे कैलकटा में, व्हेन आई वाज इन कैलकटा इन माय कॉलेज, सो हमारे वहाँ मोमोज बहुत अच्छे मिलते थे आसपास। सो वी यूज्ड टू हैव एन हॉग मोमोज, लाइक लिटरली हॉग। एक प्लेट में आता ना 8-10 पीसेस आते थे, हम 4-5 प्लेट खा जाते थे। तो ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स हैं स्कूल डेज में, एंड स्कूल डेज में तो प्रॉपर गेट टुगेदर होते थे हमारे एक जन के घर पे, चलो आज फ्रेंडशिप डे है, सब अपने अपने फ्रेंडशिप बैंड लेके पहुंच जाते थे और लिटरली बांधते थे एक दूसरे को राइट्स राखी, एंड फिर जाते थे कहीं घूमने। तो हाँ, वी हैव डन ऑल द इमैच्योर स्टफ एंड द मैच्योर स्टफ एंड द ग्रोन अप स्टफ। सो या, वी हैव, ऑब्वियसली एवरीबॉडी डज इट, इट्स ब्यूटीफुल टू एक्सपीरियंस इट एक्चुअली। कौन सा
नाखून राइट हाँ राइट यार कि कौन सी उंगली में पहनना कोई भी जिसमें फिट हो जाए मेरी तो छोटी छोटी है कहाँ से बना कहाँ पतली है छोटी नहीं है तुम्हारी मतलब पतली है हाँ छोटी तो तुम्हारी है हाँ चलो आओ ओके कौन से में पहनना इसमें तो मैं पहन रही हूँ इसमें मतलब इसमें नहीं इस कूल फ्रेंड हे फ्रेंड थिंग ना तुमको किसमें फिट होगा मैं तो लिटिल फिंगर में आएगा तो मोटी मोटी सी फिंगर है तुम्हारी इसमें इसमें पहनाओ नहीं थंब में फिट नहीं होगा विशाल वो ऐसे थोड़ा नहीं तुमको लग जाएगी नहीं लिटिल फिंगर में कौन सा राइट है अरे नहीं नहीं इसमें थोड़ी है इसमें थोड़ी मैंने बोला तुम्हारा मैं लिटिल फिंगर में ही पहनाती हूँ हटाओ वही आगे किया था सबसे पहले मुझे सुनना पता था लास्ट तक जाएगा नहीं फ्रेंडशिप डे पे बस अपने दोस्तों के साथ रहिए ऐसा कोई आपको एक दिन नहीं चाहिए बिल्कुल भी फ्रेंड्स को स्पेशल फील कराने के लिए या फ्रेंडशिप अपनी फ्रेंडशिप को सेलिब्रेट करने के लिए इट्स जस्ट अ डे सेलिब्रेट इट यू हैव गॉट वन मोर ऑफिशियल परमिशन टू गो आउट एंड पार्टी हार्ड एंड कीप डूइंग इट एवरी वीकेंड मैंने वीकडेज में काम कर लिया करो पढ़ाई कर लिया करो स्कूल जाया करो अच्छे से स्कूल में तो ऐसी मस्ती होती है और ट्यूशन जाओ और ट्यूशंस जाओ खूब सारे घर में ट्यूशंस मत करो बाहर जाओ ट्यूशंस करने के लिए क्योंकि वो बहुत इंटरेस्टिंग होती है आप नए नए लोगों को मिलते हो यही तो दैट्स अ ट्रिक वीकडेज में पढ़ाई करो मौज करो खाओ पियो और वीकेंड में सिर्फ मौज करो खाओ पियो इसकी बात बिल्कुल मत सुनो प्लीज और फ्रेंडशिप डे पे बहुत ज्यादा मौज करो और खाओ पियो फ्रेंड्स बनाओ फ्रेंड्स कोशिश करो कि वो लाइफ लॉन्ग साथ में रहें और फ्रेंड्स अच्छे फ्रेंड्स बनाओ अच्छे फ्रेंड्स से मेरा कहने का मतलब है जिनको आप अंडरस्टैंड कर सको जो आपको अंडरस्टैंड कर सकें और जो रियल हो अगर आपके बीच में थोड़ी सी भी फेकनेस या मास्क या कुछ भी है कि आप एक दूसरे के साथ एडजस्ट कर रहे हो या नौटंकी कर रहे हो फ्रेंडशिप की तो फिर प्लीज ऐसे फ्रेंड्स मत बनाओ और फ्रेंड्स मतलब बनाओ अगर तो आप ट्रस्ट करो एक फ्रेंड से अगर आप मे बी 6 महीने या शायद बात नहीं की हो लेकिन अगर आप उससे मिलते हो तो ऐसा होना चाहिए कि नथिंग हैज चेंज्ड जरूरी नहीं है कि आपको फोन पे बात करना है दैट्स नॉट फ्रेंडशिप जरूरी नहीं है कि आपको हर समय टेक्स्ट करना है व्हाट्सएप करना है वंस इन अ वाइल तो आप करोगी पर जरूरी नहीं हर रोज क्या कर रहा है तूने मेरे को ये नहीं बताया I mean that's not necessary. Yeah, that is. But then आप जो भी friends बनाओ, see कुछ feelings होती हैं जो पता चल जाती है. अब जैसे you know एक it's very simple thing कि मेरे बाजू में एक बंदा या कोई खड़ा है, तो अगर उसके vibes बहुत strong है तो आप turn करके देखते हो. ये signals होते हैं. तो जो बंदा या जिस भी इंसान के साथ आप हो, जिसको आप friend कह रहे हो, उसे कायदे से friend मानो क्योंकि कहीं ना कहीं आपके vibes match करेंगे. करते हैं तो फिर उस फ्रेंडशिप को निभाओ अगर नहीं करते हैं तो प्लीज किसी भी रिलेशनशिप को ढोने की जरूरत नहीं है सो मेक गुड फ्रेंड्स बी हैप्पी बी शेयरफुल